मैं डॉक्टर उदय शंकर दास, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, आरएस कॉलेज तारापुर। मैं आज आप लोगों को टाइप्स ऑफ एग्स इन एनिमल्स के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ एग्स इन एनिमल्स जानने के पहले हम लोग जान ले कि एग्स, व्हाट इज एग। तो एग्स आर फीमेल गैमेट एंड जनरली कॉल्ड ओवा और एक्सेल। द फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल एंड रिलेटिवली लार्ज इन कंपैरिजन टू द मेल गैमेट, दैट इज स्पर्म्स। एंड एग लेइंग एनिमल लेज एग्स नो मैटर वेदर दे आर फर्टिलाइज्ड और नॉट। इन ऑर्डर टू डेवलप इन टू एन एम्ब्रियो एन एग मस्ट बी फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म्स। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग इट इसेंशियल दैट एग मस्ट बी फर्टिलाइज। एंड एग स्टोर्स फूड रिक्वायर्ड फॉर द इंटायर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ योक। एनिमल एग सेल हैज थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शंस। इट सप्लाइज ए हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम्स टू द फ्यूचर एम्ब्रियो। इट कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट ऑल साइटोप्लाज्म टू जायगोट। इट सप्लाइज फूड टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इट मीन्स एन एग इज ए फीमेल गैमेट दैट सप्लाई द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम्स एंड साइटोप्लाज्म टू द डेवलपिंग जायगोट्स। सो नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ एग्स इन एनिमल्स। द एग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ए, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल। ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। नाउ वी विल सी वन बाय वन। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक, ओके, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ योक प्रेजेंट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। दीज आर ए लिसाइथल एग, माइक्रो लिसाइथल एग, मीजो लिसाइथल एग एंड मेगा लिसाइथल एग। नाउ वी विल सी व्हाट इज ए लिसाइथल एग। ए लिसाइथल एग, व्हेन द एग कंटेन्स नो योक इट इज कॉल्ड एन ए लिसाइथल एग। एग्जाम्पल्स आर एग्स ऑफ यूथेरियन मैमल्स। मीन्स दिस टाइप ऑफ एग्स हैज नो योक, विदाउट योक। माइक्रोलिसाइथल एग्स, एज द नेम सजेस्ट, व्हेन द एग कंटेन्स लिटिल और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ योक इट इज कॉल्ड माइक्रोलिसाइथल योक। एग्जाम्पल एग्स ऑफ एम्फियोक्सस, सियरचिन, टूनिकेट्स। मतलब माइक्रोलिसाइथल एग जो होगा उसमें योक की मात्रा काफ़ी कम होगा या नहीं के बराबर होगा, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ योक। नाउ मीजोलिसाइथल एग, इन दिस टाइप ऑफ एग व्हेन द एग कंटेन्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक देन दिस टाइप ऑफ एग्स आर नोन एज मीजोलिसाइथल एग। एग्जाम्पल एग्स ऑफ पेट्रोमाइजन, एग्स ऑफ डिप्नोई एंड एग्स ऑफ एम्बिविया इन फ्रॉग। मेगालिसाइथल एग, दिस मेगालिसाइथल एग इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोलिसाइथल और पॉलीलिसाइथल एग। व्हेन द एग कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ योक इट इज कॉल्ड मेगालिसाइथल और मैक्रोलिसाइथल और पॉलीलिसाइथल। पॉली मीन्स इन लार्ज अमाउंट, मैक्रो, मेगा, दीज आर इन लार्ज अमाउंट योक। एग्जाम्पल एग्स ऑफ रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड पोटोथ्रिया।
Now, on the basis of distribution of yolk, depending upon the distribution of yolk in the cytoplasm, eggs are of the following types: homolocythaleg, telolocythaleg, and centrolocythal egg. Homolocythaleg, also called isolocythal egg. This is also called isolocythal egg. In this type of eggs, the amount of yolk is very little and uniformly distributed throughout the cytoplasm of egg. मतलब होमोलोसाइथल एग में एग की मात्रा काफ़ी कम होता है और यॉक की मात्रा काफ़ी कम होता है और यह यॉक जो होता है एग के साइटोप्लाज्म में यूनिफॉर्म समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. एग्जांपल है एग्स ऑफ एम्फियोक्सस, इकानोडर्म्स एंड टूनिकेट्स. टीलोलोसाइथल एग, the eggs in which the yolk is concentrated towards vegetal pole is called telolocythal egg. In this type of egg, all the yolks are concentrated at the one side of the egg, and that side is called vegetal pole, and another side where nucleus is present is called animal pole. Example: eggs of amphibians, eggs of dipnoi, eggs of reptiles and birds. Centrolocythal eggs. In this type of egg, the yolk is concentrated at the center of the egg and is thus called centrolocythal egg. मतलब इसमें बीच में yolk concentrated हो जाता है अंडे के बीच में. Cytoplasm forms a thin peripheral layer around the yolk. और यह cytoplasm एक thin layer बनाता है yolk के चारों बगल में. Example: eggs of insect. So this is the diagram of homolocythal. So see, this is nucleus, this is cytoplasm, and this yellow dot is of yolk. Homolocythal, evenly distributed, uniformly distributed. Telolocythal egg, this yellow is yolk, large amount of yolk at the one side of the egg, and this side is called vegetal pole. And this is nucleus and cytoplasm at one pole. This is called animal pole. Telolocythal egg. Centrolocythal egg. In this diagram, see, this is yolk is concentrated in the center. Beech mein aa gaya hai. This is nucleus, and in periphery, this is cytoplasmic layer. This is centrolocythal egg. Now, next, on the basis of presence or absence of cell. On the basis of presence or absence of cell, the eggs are of two types: cladoic egg and second non-cladoic egg. Cladoic egg means cladoic eggs are surrounded by waterproof calcareous cell, SHE cell, and this cell is thick and hard. Cladic eggs is a terrestrial adaptation. Example: eggs of reptiles, birds, protothrian mammals. हम लोग जो मुर्गी का अंडा खाते हैं वो cladic eggs है. उसके बाहर वाला जो सफ़ेद वाला पोर्शन होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वह सेल कहलाता है, SHE. Non-cladic means non-cladic eggs lacks a cell. There is no cell in this type of eggs. Example: eggs of amphibians. Next, on the basis of pattern of development, how the eggs are developed. On the basis of development, eggs are of two types: determinate or mosaic egg, indeterminate or regulative egg. Determinate or mosaic egg. In this type of egg, the definite fate of every part is predetermined. If a particular portion of egg is removed, the developing embryo will be lacking in a particular organ.
So it is called determinate or mosaic egg. Examples: eggs of annelida, eggs of mollusca, and eggs of tunicates are the example of determinate or mosaic egg. Next, indeterminate or regulative egg. In this type of egg, there is no predetermination. If a particular portion of the egg is removed, it can develop into a normal embryo without any defect. Example, egg of amphioxus, reptile, birds, etc. And this is all about types of eggs in animals. Thank you.